फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो हेवी रिक्वेस्टेड वीडियो है। अगर आप लड़के हैं या लड़की 16 साल के हैं या फिर 60 साल के हैं, आपके बाल झड़ रहे हैं, कहीं कहीं से आपका सर खाली होता जा रहा है, आपके बालों में बहुत ज्यादा डलनेस आ गई है, वॉल्यूम बिल्कुल खत्म हो गया है, लेंथ बढ़ने का नाम नहीं लेती, ये सारी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं, इनफैक्ट अगर आपके बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं, प्लीज इन सब चीजों को ध्यान से सुनेगा। कोई भी अगर आपका इशू है इनमें से, तो डेफिनेटली ये वीडियो ध्यान से देखकर फॉलो जरूर करिएगा। आज आपको मैं बताने वाली हूँ एक ऐसा हर्बल शैम्पू जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म कर देगा। ये शैम्पू आपको हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना है। कैसे बनाना है, कैसे यूज करना है, आप इस वीडियो में सारा A to Z देखते जाएंगे। और साथ में इसमें मैं कुछ नया नहीं बता रही, ये जो हमारी दादी नानी मम्मा लोग हमारे सर में लगाते थे, ये उन्हीं चीजों को मैं जॉइंट करके आपके सामने लाई हूँ। क्योंकि उस टाइम जब हमारी माँ या हमारी दादी लगाते थे, तो हम सोचते थे यार क्या लगा के बैठ गई, इनको उम्र की प्रॉब्लम है, क्या हमारे बालों में झंझट बेल रही है। लेकिन वही झंझट ऑनेस्टली आपके बालों की सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। जो आप मार्केट भागते हो ना एडवर्टीजमेंट देखकर कि ये बढ़िया है ये लगा लो, और उसके बाद भी आपका हेयर फॉल स्टॉप तो नहीं होता, लेकिन आपकी जेब जरूर खाली हो जाती है, तो ये आपके पैसे भी बचाएगा और आपकी मनपसंद बालों को और आपके मनपसंद बाल भी आपको देगा। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देख के फॉलो जरूर करिएगा। और कोई भी आपके क्वेश्चंस या क्वेरी होते हैं तो विद सिटी नेम जरूर मेंशन करना, डेफिनेटली मैं उनको आंसर जरूर दूंगी। और ट्रस्ट मी, अगर आप इस शैम्पू का इस्तेमाल एक बार करोगे ना, तो सेकेंड टाइम अपने आप मजबूर हो जाओगे यूज करने पर। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 चम्मच मेथी दाना, उसके बाद हम लेंगे 8 से 10 स्टिक्स शिकाकाई की, साथ में हम इतनी क्वांटिटी लेंगे सूखे आंवले की। आप देख सकते हैं आपको भी इतनी क्वांटिटी लेनी है, क्योंकि अगर ये एक्स्ट्रा बच भी गया तो आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। आपको लेने हैं 5 रीठा। इस शैम्पू को बनाने के लिए आपने ऐड करने हैं इसमें 3 बाउल पानी और इसको अच्छे से बॉइल करना है। अब जान लेते हैं इसके बेनिफिट क्या हैं। मैंने इसमें ऐड करा है मेथी। मेथी जो होता है बहुत ही रिच मेडिसिन प्रॉपर्टी होती है, जो आपके बालों को ग्रो करने में हेल्प करती है। इसमें हाई अमाउंट में प्रोटीन होता है, जो हमारे स्कैल्प में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, डैंड्रफ है या आपके इचिंगनेस की समस्या है, वो बिल्कुल खत्म कर देती है और आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है। इसमें होता है पोटेशियम, जो आपके प्री मेच्योर ग्रे हेयर्स होने से बचाता है। इसमें होता है निकोटीन एसिड, जो आपकी हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है। इसमें होता है विटामिन सी, जो आपके स्कैल्प की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, मतलब आपके स्कैल्प के जो बाल उग नहीं रहे हैं, उनकी ग्रोथ कम हो गई है, या बाल आपका जो बहुत पतला आ रहा है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आने लगता है। साथ में है इसमें लिथासीन, जो आपके बालों को नरिश करता है और आपके बालों को स्ट्रेंथन देता है। और जिसका भी सेंसिटिव स्कैल्प है, आपके अगर जड़ें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो उनको स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। साथ में मैंने इसमें ऐड करा है आंवला। आंवला क्या करता है, आपकी ड्राइनेस, जो भी आपके स्कैल्प में ड्राइनेस है, आपके बाल जो टूट रहे हैं, 2 मुहे हो रहे हैं, उनसे हमारे बालों के बचाता है। साथ में जितनी भी डस्ट है, जितना भी इम्प्योरिटीज हमारे स्कैल्प में जमा हो गई है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से रिमूव करता है और हमारे बालों का पीएच लेवल मेंटेन करता है। मैंने इसमें ऐड करा है शिकाकाई। शिकाकाई क्या करता है, आपके ग्रोथ को यानी आपके स्कैल्प के पीएच लेवल को मेंटेन करता है, आपके बालों को स्मूथ बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, नेचुरल एस्ट्रोजन प्रॉपर्टी होती है, तो ये हमारे बालों में एक बाउंस लुक लेके आती है, वॉल्यूम बढ़ाती है। जो शिकाकाई होती है हमारे बालों का वॉल्यूम बढ़ाती है। इसमें होता है विटामिन डी और सी, जो आपके स्कैल्प का मॉइस्चर बना के रखता है, आपके बालों में शाइन लेकर आता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डल हो गए हैं, तो शिकाकाई आपके बालों में बहुत ही ज़बरदस्त शाइन लेकर आएगा। रीठा उसको साबुन की फॉर्म देता है, झाग देता है, जिससे कि आपके स्कैल्प में जितनी भी गंदगी है वो एक शैम्पू की तरह यानी माइल्ड शैम्पू जैसे आप यूज़ करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से निकल जाती है। आपके बाल हेल्दी हो जाते हैं और पहले से कहीं ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली आपको ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। ये बहुत ही पोषण वाला हर्बल शैम्पू है। अगर अभी तक आप कोई भी मार्केट का हर्बल शैम्पू यूज़ कर रहे थे, तो अगर आप इसको करेंगे तो डेफिनेटली एक बार के वॉश के बाद ही आपको इतना बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा कि आप मार्केट वाले शैम्पू यूज़ करना भूल जाएंगे। तो चलिए इसको अच्छे से हम बॉईल कर लेते हैं। जितना आप इसको बॉईल करेंगे उतना ही अच्छा इफेक्ट आएगा, उतना ही उसका सारी चीजों का असर उस पानी में आ जाएगा।
गाइज, ये आप अपने बच्चों के भी लगा सकते हैं शैम्पू, बड़ों के भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका हेयर जहाँ से बिल्कुल झड़ चुके हैं, आ नहीं रहे जगह, जिस सर में से काफ़ी जगह से स्कैल्प खाली हो जाता है, वहाँ पे भी इस शैम्पू को लगाने से आपके बाल आने शुरू हो जाएंगे, इतना ज़्यादा इफेक्टिव है। अब ये अच्छे से बॉइल्ड हो चुका है, अब मैं इसको छन्नी की मदद से छान लूँगी। छन्नी की मदद से इसको एक बाउल में छान लेंगे। आप इसको इजीली एक महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। और जो आपके आंवले और शीकाकाई बच चुका है उसको आप फेंकेगा मत, क्योंकि वो भी सेकेंड टाइम जितना उबालेंगे उतना उसका और असर निकलेगा भी, तो आप उसको भी नेक्स्ट टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं, इस वक्त का ध्यान रखेगा। अब इसको मैं एक स्प्रे बॉटल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। आप देख सकते हैं इसको मैंने स्प्रे बॉटल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब आपने क्या करना है, जब भी आपको शैम्पू, नॉर्मल वाला शैम्पू कोई भी बाहर का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि एज अ ये झाग आपके अच्छे से सर को, स्कैल्प को क्लीन करेगा। तो आपने क्या करना है, जिस दिन आपने सर धोना है, इसको जैसे मैं आपको स्प्रे करके दिखा रही हूँ अपने बालों में, ठीक उसी तरीके से आपने अपने पूरे स्कैल्प से लेकर लेंथ में इसको अच्छे से स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद में आपको एक पॉलिथीन से या शावर कैप से अपने बालों को कवर कर लेना है। कवर करने के बाद आप अपने बालों में इसको आधे से एक घंटे के लिए मिनिमम है ज़रूर छोड़िए। अगर बेटर रिजल्ट चाहते हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि एक घंटे के लिए अपने बालों को एज इट इज़ रहने दें, उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। आपको कोई भी कंडीशनर, कोई भी आपको सीरम या कोई भी आपको शैम्पू लगाने की रिक्वायरमेंट ही फील नहीं होगी। ऑनेस्टली आपको सिर्फ शैम्पू तब करना होगा जब अपने बालों में आप ऑयलिंग करेंगे, क्योंकि ऑयल जो है वो शैम्पू से ही निकलेगा। अदरवाइज अगर आप इस शैम्पू को हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करेंगे तो उसका बेहतरीन रिजल्ट आपके सामने होगा। प्लीज और प्लीज इस्तेमाल करके देखना। अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, आपके बालों का वॉल्यूम नहीं रहा, या आपके बाल पहले से ज्यादा टाइम से पहले सफेद हो चुके हैं, कोई भी समस्या अगर आपके बालों से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली मैं आपसे रेकमेंड करूंगी कि ये वाला शैम्पू जरूर इस्तेमाल करें। और आपके ऊपर क्या असर रहा वो प्लीज मुझसे एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।